खबर शिवपुरी के जिला कलेक्ट्रेट से है। बताना होगा कि नाबालिग पुत्री ने पिता ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। उसने बताया कि मेरी पुत्री को डरा धमका कर गुमराह कर अपहरण करने का प्रयास करने असफल होने पर मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके धमकियां युवक देता है। जानकारी के अनुसार अतुल मांझी निवासी वन स्टॉप सेंटर के सामने न्यू ब्लॉक ने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री कक्षा 8वीं की छात्रा है और शासकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोट रोड में पढ़ती है। 6 अगस्त और 7 अगस्त की रात को अमन मांझी पुत्र संतोष मांझी निवासी इंदिरा कॉलोनी ने उनकी पुत्री को साजिश के तहत डरा धमका कर गुमराह करके अपहरण करने का प्रयास किया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर बालिका को ले गया था, लेकिन हमारे द्वारा उसी समय पर ढूंढने की वजह से बालिका को घर से कुछ ही दूरी पर छोड़कर चला गया। इस संबंध में बालिका ने महिला पुलिस थाने में जानकारी दी थी। उसके बाद अमन मांझी के द्वारा मोबाइल से पुत्री के मोबाइल नंबर पर कॉल करके उसको व्हाट्सएप मैसेज करके धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी या पुलिस में रिपोर्ट करोगी तो जान से खत्म कर दूंगा। इस कारण परिवार चिंतित है और डरा हुआ है और कोई भी घटना घटित होने की आशंका में डरा हुआ है। क्या नाम है आपका? पूनम मांझी। कहाँ रहते हो? न्यू ब्लॉक। क्या समस्या लेके आई थी आज? समस्या लेके आए थे कि लड़की को ले गया था रात में अमन नाम का लड़का, तो और हमने ढूंढा तो उसको छोड़ गया। उसके बाद हमने रिपोर्ट डाली तो रिपोर्ट से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कब ले गया था? 6 तारीख को। कब? रात को? हाँ, 1:30 बजे। हम लोग घर में ही थे, लेटरिंग करने गई बच्ची, और बस ले गया उसको धमका के। बाहर लेटरिंग है, मतलब शटर के बाहर। उसके बाद मैं रिपोर्ट डालने गई तो उसने मुझसे गाली गलौज करा, उसने मुझमें चाटा मारा और जीरी की मैत्रों की दे रहा है वो धमकियाँ। मैं कि हम तुम्हें मरवा डालेंगे, लड़की को उठवा देंगे। थाने में शिकायत की थी? थाने में भी शिकायत की हम लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं है। नाबालिग है, 13.5 साल की है लड़की। कितने बच्चे हैं? दो लड़की। बर्तन मांजने जाते हैं दूसरों के घर में। लड़के का नाम अमन। कहाँ रहता है? फिजिकल पे। ग्रामीण बैंक है ना, उसके बगल में रहता है गली में।